लंबे समय से माल खरोदा एवं डबरा क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशियों को बुचड़खाना ले जाने के लिए पशु माफिया सक्रिय है। लगातार मवेशियों की बुचड़खाना ले जाने का सिलसिला जारी है। बेजुबान जानवरों को कत्लखाना ले जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। जिले के अंतर्गत चंद्रपुर पुलिस द्वारा एक कंटेनर वाहन WB174862 में मालखरौदा डबरा क्षेत्र से क्रूरतापूर्वक गायों को भरकर कंटेनर वाहन से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जिसकी सूचना चंद्रपुर पुलिस को मिली, जिस पर चंद्रपुर पुलिस ने 10 जुलाई के रात्रि में मिरौनी मोड़ के पास घेराबंदी कर डबरा तरफ से आ रहे कंटेनर वाहन को रोका। जब वाहन को खोलकर देखा गया तो वाहन में 64 मवेशी भरे हुए थे, जिसमें से 64 मवेशियों को पश्चिम बंगाल कत्लखाना ले जाया जा रहा था। इन आरोपियों के पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं थे। वहीं पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत धारा 41 1/4 दंड संहिता व 379-34 IPC के तहत पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मुख्तार आलम, राजू घोष, शेख समीउल्लाह, शेख हुसैन सभी पश्चिम बंगाल के हैं, जो कंटेनर वाहन से मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस के भरकर बुचड़खाना पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा इस मवेशियों को गौठान में रखा गया। वहीं पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर आज 11 जुलाई को न्यायालय डबरा में पेश किया, जहां सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। DNX TV के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। थाना चंद्रपुर में जरिए मुखबिर में सूचना मिली कि एक कंटेनर वाहन में अवैध रूप से चोरी कर मवेशियों को डबरा के रास्ते चंद्रपुर होकर पश्चिम बंगाल कत्लखाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर से आरोपियों की घेराबंदी हेतु बिरौनी चौक पर घेराबंदी लगाया गया तथा आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से मवेशियों के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज न पेश करने के कारण कंटेनर वाहन से कुल 64 मवेशियों को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मवेशियों की सुरक्षा हेतु उन्हें ग्राम हिंसा मुहान के गौठान में सुपुर्द किया गया। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर, इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं अभी? इसमें कुल 4 आरोपी हैं जो रहने वाले पश्चिम बंगाल के।